वहीं भाजपा किसान मोर्चा ने सोमवार को दुर्ग जिला अध्यक्ष विनायक ताम्रकार एवं 13 मंडलों के अध्यक्षों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की सोसाइटी में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 5 बिंदुओं पर ज्ञापन प्रेषित कर सोसाइटी में खरीदे गए धान की मात्रा और मिलरों द्वारा धान उठाने की जानकारी ली गई। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा धान खरीदी के लिए 15 फरवरी तक समय सीमा बढ़ाने, रबी फसल हेतु खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने, असमय बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान फसलों का सर्वे कर तत्काल राज्य सरकार से मुआवजे देने की मांग, लंबित अस्थायी बिजली कनेक्शन को स्थायी किए जाने तथा पिछले वर्ष के धान खरीदी का पैसा 1500 करोड़ रुपए तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई। जो ये अस्थायी कनेक्शन है ग्रामीणों का, किसानों का, उसको स्थायी करने के लिए हमने ज्ञापन दिया हुआ है और हमारी मांग है कि जो 82% अभी खरीदी हुई है और उसके लिए और ज्यादा समय बढ़ाया जाए। हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि किसानों को जो घाटा होने वाला है, जो जल्दी लाने के लिए घाटा होता है, वो ना हो। बारदाना उनको महंगे में खरीदना पड़ता है, उनको ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा लगती है, उनका वेस्टेज ज्यादा होता है। इस वजह से जो जल्दी जल्दी जो बहुत कम समय दिया गया है धान खरीदी का, उसको ये बढ़ा दिया जाए। और कुछ नहीं, आपको खरीदी तो 105 लाख क्विंटल ही खरीदनी है और उससे ज्यादा तो खरीदनी नहीं है। तो ये सिर्फ हमारा ध्यान हम आकर्षित करने आए थे। कलेक्टर साहब को, महोदय को हम ज्ञापन सौंपने आए। आश्वासन मिला है कि हम जल्द से जल्द खरीदी कर लेंगे और अगर मान लीजिए खरीदी नहीं की जाती है तो उसका और समय सीमा बढ़ा दी जाएगी।